पिछले चार पांच दिन से जनगामा जनगांव जनवाड़ा सॉरी जनवाड़ा फार्म हाउस के ऊपर जो चर्चा हो रहा है उसके लेके पूरा तेलंगाना प्रदेश के अंदर एक डिस्कशन है कि हकीकत क्या है, लोग जानना चाहते हैं। एक तरफ केटीआर के साले साहब जो राज पाकला है उनका फार्म हाउस के ऊपर पार्टी होता है, उस पार्टी के अंदर फॉरेन लिकर है, कैसीनो कॉइन्स है और बड़े लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल के दूसरे दूसरे वेराइटीज के अल्कोहल भी वहां पे पाया जाता है। जब एसओटी के द्वारा वहां पे चापा मारा जाता है तो उसमें पता चलता है कि उसमें से सबका जब टेस्ट किया जाता है तो एक व्यक्ति विजय मधुरी करके एक व्यक्ति को कोकीन पॉजिटिव पाया जाता है। जब बात बाहर आती है कि इस तरह का माहौल है तो उनके डिफेंस में जो फार्म हाउस के ओनर है राज पाकला जी, उनके जीजा जी आते हैं और आके ये बोलने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्टी हो रहा है हमारे घर में। कभी एक बार बोलते हैं कि दिवाली का पार्टी हो रहा है, एक बार बोलते हैं कि घर का गृह प्रवेश हो रहा है। उनको क्लैरिटी नहीं है कि असल बोलना क्या चाह रहे हो। अगर दिवाली का पार्टी है, दिवाली हम भी मनाते हैं, दिवाली पूरा समाज मनाता है। दिवाली जब मनाते हैं तो कोई दारू से दिवाली नहीं मनाते, दिवाली जब मनाने तो चार बड़े लोगों को बुलाते, पूजा करते, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते। लेकिन यहाँ पे जो दिवाली हो रहा है वो अलग लेवल का दिवाली हो रहा है। उसमें लिकर है, उसमें ड्रग्स है, उसमें कैसीनो का काइंस है। इससे पता चलता है कि उनका कोई दिवाली का पूजा नहीं हो रहा है पर खुद का एंटरटेनमेंट हो रहा है वहां पे। जब बात बाहर आई, लोग इंक्वायरी, पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रही है तो उसमें पूरा एफआईआर में लिखा गया है कि जो विजय माधुरी है उन्होंने स्वयं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जब वहां पे गए हैं और राज पाकला जी उनको ड्रग्स उनको दिए हैं और उन्होंने नशा किया है। और जब बाहर आके वो दोबारा स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे को जबरदस्ती बोल के जबरदस्ती करके मेरे को बोलने लगा है बोल के विजय माधुरी बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए, वो कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि दो थप्पड़ मारते कि तू सच बोल, तू ये बोल, वो सच, कुछ भी नहीं है ना। वो एक मैच्योर इंसान है, बाहर आने के बाद किस वजह से किसके इन्फ्लुएंस से स्टेटमेंट चेंज करे वो आवाम को बताने की जरूरत भी है। अगर उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया है इससे पता चलता है कि उनके जो दोस्त है, जो उनके बिजनेस पार्टनर है, जिनके वो बेनामी है, हो सकता है उनके इन्फ्लुएंस के वजह से उन्होंने पूरा स्टेटमेंट चेंज किया है। अगर स्टेटमेंट चेंज भी किया है तो इंक्वायरी ओके रहेगा, जो हकीकत है तेलंगाना आवाम के सामने आएगा। और रही बात, एक तरफ हमारी सरकार, जब हम सरकार में नहीं भी थे तब भी हम ड्रग्स के खिलाफ पूरा तेलंगाना के अंदर कैंपेन किया है, ड्रग्स के खिलाफ हमारा मोर्चा रहा है। ड्रग्स के खिलाफ हम लोग पूरे हर, चाहे एनएसयू आए चाहे यूथ कांग्रेस हो, हम लोग हमेशा ड्रग्स के खिलाफ लड़ते आए। बड़ी शर्म की बात है, ऐसे लोगों के वजह से आज जो ड्रग्स है स्कूल के बच्चों तक पहुंच चुका है। बड़ी शर्म की बात यह भी है, जब हम लोग कुछ करना चाह रहे, जब हम सबको मालूम है कि एक व्यक्ति को कोकीन पॉजिटिव पाया गया है, वो सब आगे आके सपोर्ट करके वो लोग बोलना चाहिए इस व्यक्ति को लेके जाओ और इस व्यक्ति का पूरा इंक्वायरी करिए, ये कहां से ड्रग्स लिए, कौन इसको सप्लाई किया और किस वजह से यहां तक पॉजिटिव कैसा आया करके उन्हें सपोर्ट करने का छोड़ के सब अब उसके डिफेंस में आए। डिफेंस में कब आते हैं, जब चार चोर मिलके चोरी करते हैं तो अगर जब कोई चोर पकड़े जाता है चारों में से, सब कुछ जाते हैं, नहीं भाई कुछ भी नहीं करा, हमारे साथ में था, हमारे साथ खाना खा रहा था, हमारे साथ में रात में सो रहा था बोल के कौन बोलते है। जब चोरी पकड़े जाते चार चोर मिलके सब एक जगह पे आके वो लोग चोरी बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब बहुत सीरियस है, ये लोग कितना भी घुमाने को कोशिश करेंगे, कितना भी चाहे कितना भी कोशिश करेंगे, हकीकत लोगों के सामने आएगा। हमारा मकसद ये की है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का मकसद ये की है, पूरा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का मकसद ये की है, तेलंगाना के अंदर ड्रग्स फ्री स्टेट करके दिखाने की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।